एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति कुटिया में स्वागत है। सो हैप्पी सावन, सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आज सावन का पहला सोमवारी है, सो आज है मेरा व्रत, इसलिए आप लोग इस तरीके का लुक देख रहे होंगे, हरी चूड़ी, हरी बिंदी के साथ हरी साड़ी। और जस्ट अभी मंदिर से आया पूजा करके, और मैं सोची चलो मेरा शॉपिंग किए थे सावन की सारी चीज़ें, तो थोड़ा लेट आया था, मैं सोची चलो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इस बार तो सावन की 500 बारी पड़ रही है, तो अभी आप लोग भी फटाफट मंगा लोगे। और मैं क्या सावन की खरीदारी की हूँ और क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए, वो सारी डिटेलिंग आज मैं अपने वीडियो में शेयर करूँगी एंड रिव्यू देंगी शॉपिंग हॉल का, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का रिव्यू है, मीशो का सारे मिक्स है, क्योंकि मेरे को जहाँ से जो सामान पसंद आ रही थी ना उससे मंगा रही थी सावन की बहुत सारी। और फिलहाल मैं ये सारी बैंगल्स जो है ना पतली वाली, ये वाली, ये सब आसपास के मार्केट से लेकर आ गई थी, तो ये हरी चूड़ी पहनना मेरा बहुत पसंद, मेरे को बहुत पसंद आता है, और इसको पहनने के बाद लगता है कि फाइनली सावन की हरियाली सबके मन में शामिल हो गई है, हरियाली और मन ताज़ा करने के दिन आ गए, हरी हरी पहनने के बाद एक्साइटमेंट होता है। तो आइए क्यों ना आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करिए, और आप लोग भी घर बैठे तीज की तैयारी करिए और सावन की राखी की शॉपिंग करिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपने मन को ताज़ा करते हुए मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ पहला, जस्ट अभी कोरियर आप लोग से जैसे वीडियो स्टार्ट नहीं हो तो ये आया है। तो आप इस तरह अभी 2 महीना राखी है, चीज है, सब में इस तरीके के शॉपिंग कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट की है, ये है, मंगाए थे क्योंकि हमको सावन के बिल्कुल लुक भी क्रिएट करना था, और इस राखी को देखते हुए मंगाए थे हम कि सावन में हरा हरा कुछ पहनेंगे, सावन तीज फंक्शन होगा सोसाइटी में, तो बट ये ग्रीन मरून कलर पिक्चर मेंशन कर देंगे, और ये देख सकते काफ़ी खूबसूरत है ज्वेलरी। सो गाइस, तो इसमें कलर ऑप्शन बहुत था, मैं की थी ग्रीन बट रिसीव हुआ है मेरे को मरून, इसमें आप चाहे तो कलर फिर से चेंज कर सकती हैं। इस नेक्स्ट से अच्छा और स्पेशल खरीदारी है ये अमेजोन से, ये है साड़ी। तो गाइस देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट साड़ी है, और मल्टी ग्रीन और सिल्वर कलर की प्रिंटेड में साड़ी है, साड़ी बिल्कुल माइंड ब्लोइंग आया है, साड़ी जैसा देखे तो जैसा ही रिसीव हुआ है, बिल्कुल प्यारा सा है, पूरे में साड़ी में ना किरकिरी का वर्क है, और बिल्कुल लाइट वेट की साड़ी है, बिल्कुल प्यारा लग रहा है, देख सकते हो पूरे साड़ी में कुछ ऐसे हैं। तो मैं मंगाई थी सावन के पर्पज से, अभी मैं घर में महादेव पूजा करूँगी ना उसमें पहनने के लिए, उसी में साड़ी ऐसा है कुछ, इसको सर पे रखने के बाद देखती हूँ कैसा लुक लग रहा है। ये देखिए मैं बहुरिया बन गई, कैसा लग रहा है गाइस आप लोग कमेंट में बताना। ये मैं घर में पूजा रखने वाली हूँ सावन में, उसके लिए क्योंकि जैसे पूजा वगैरह कुछ करते हैं ना तो उसमें मतलब फ्रेश साड़ी यूज़ करना रहता है, तो इसलिए मैं सोची चलो सावन है तो कुछ हरा हरा पहनने का, पता नहीं क्यों क्या होता है घर में सारी इतना भी हरा भरा रहता है, लेकिन सावन आते लगता है हरी हरी शॉपिंग करे, हरी चूड़ी पहने, हरी नेल पेंट लगाए, हरी साड़ी खरीदे, इसी वजह से मेरे भी मन में आया। मैं बासी वाली कलर है ना कि ये बाहर भी यूज़ हो सकता है पार्टी वगैरह में, सिल्वर प्रिंटेड में है, और घर में भी यूज़ हो सकता है, सॉफ्ट है, हल्का है, लाइट वेट में, और ये फ्लस ये इसका जो कपड़ा है ना गाइस, इसका जो कपड़ा है ना वो सिल्की टाइप से है, और इसको कितना भी आप ढांग के पहन लो फटने वाला नहीं है, पूरे बॉर्डर में कुछ ऐसे ऐसे हैं ये देख सकते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके की साड़ी, इसके मात्र 1300 समथिंग का साड़ी मार्केट में लोग, तो वही चीज़ें मिलेंगी। सो गाइस, तो नेक्स्ट जो है कोरियर ये है मीशो से, और इसमें मैं देखती हूँ क्या आया है। ओ माय गॉड, मेरी फेवरेट इयररिंग्स, ग्रीन कलर की इयररिंग्स मंगाए थे, और ग्रीन ऐसा कॉमन कलर है ना कि ये सब पे, रेड पे भी, मरून पे भी, कंट्रास्ट इसका बहुत अच्छा है, सब पे जाता है, तो इसलिए मैं ग्रीन मंगाई हूँ। अब इसमें पास ना कभी भी आप ग्रीन कलर एक जरूर रखना, क्योंकि आप इसके साथ हर कलर का साड़ी मैच, हर कलर के कपड़े पर मैच कर सकता है, तो अभी काफ़ी ट्रेंड में है, और बहुत ही प्यारा खूबसूरत ये मेरे को 300 समथिंग ये उनका दिया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही वंडरफुल, ये देख सकते हैं। तो गाइस, तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा लग रहा है, क्योंकि आज मैं बिगिनिंग साड़ी भी पहनी हूँ और आज सावन की पहली शुरुआत है, तो चलो कुछ नया ट्राई करते हैं और दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है पहनने के बाद, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना। और ये काफ़ी गाउन्स वगैरह पे हैवी लुक देने वाला है, और हैवी साड़ी पे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, सूट पे भी अच्छा लगेगा, तो आप लोग जरूर ट्राई करना। ये मीशो का है, इसका कोड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और ना प्राइस के साथ मेंशन कर देंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा 250 या 300 के अराउंड में, ये डब्बे के साथ पैकिंग काफ़ी प्यारे से आया था, और ग्रीन ऐसा कॉमन कलर है जो कि सब कलर पर कॉम्बिनेशन पर जाएगा।
सबको फोटो खींचने। सो गाइज, तो नेक्स्ट जो है वो मीशो से ही है और इसको देखते हैं क्या आया है। और इसके सारे ऑर्डर एक बार में मैं कर दी थी पूरे सावन की ना, ये पता नहीं याद नहीं आ रहा कि क्या क्या है, बट खोलने के बाद लग रहा है हाँ मैं ये भी ऑर्डर की थी, मैं ये भी ऑर्डर की थी। मतलब ग्रीन का सारे मटेरियल, कान से लेके नाक से लेके सब कुछ, साड़ी ज्वेलरी सब। वाह, तो इसमें मेरे को बहुत सारा इयररिंग्स आया है मल्टी कलर। सो गाइस तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं, 3-4-6 इयररिंग्स है, सारे मल्टी कलर, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, आसमानी। तो आप सब कपड़े पर मैचिंग ले सकते हैं और इतना प्यारा 170 आई थिंक 170 में है। मीशो का प्राइस हम मेंशन कर देंगे। और इतने सारे प्यारे प्यारे इयररिंग्स रिसीव हुआ है, ग्रीन कलर का, इसका ये ब्लू कलर का, और एक मैं खोल के दिखाती हूँ। इसका शाइनिंग भी बहुत प्यारा, ये नहीं कि शाइनिंग नहीं है। और अच्छा ना मेरा सब वीडियो का, इसका बिल्कुल शाइनिंग वैसा ही है, सेम टू सेम। और आप ये जैसे मैं ये साड़ी पहनूंगी उस पर पहन सकती हूँ, ग्रुप पे भी। तो इस तरीके से आप 170 में घर बैठे, हाँ मार्केट जाने में मिल जाता होगा, बट घर बैठे आपको होम डिलीवरी घर पे मिल जा रहा है। और इतना सारा इयररिंग्स तो आप भी ट्राई कर सकते हो, जो अपने सारे कपड़े के मैचिंग ले सकते हो। तो इसका मैं ही प्यारा प्यारा कलर है, तो इसके कलर के साथ आप हर कलर का कपड़े मैच कर सकते हैं और बदल बदल के चेंज करके पहन सकते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना, और डेफिनेटली आप लोगों को मीशो का कोड डाल देंगे। एंड चलते हैं वीडियो में आगे और देख सकते हैं कैसा लग रहा। मामा मेहंदी लगाई, देखो तो कैसा लग रहा बेटा, अच्छा लग रहा है मामा का मेहंदी, अच्छा लग रहा है। ये उम्मा चूड़ी भी पहनी है तुम्हारे लिए, ये नहीं करते बेटा। मामा चूड़ी पहनी अच्छा लग रहा है, उम्मा का चूड़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन, ये लो लो, बस थोड़ा सा और बना लेते हैं, हाँ उसके बाद खेलना ठीक। सो गाइस, तो नेक्स्ट जो है वो है, वाओ, सावन की हरी हरी चूड़ियाँ जी, चूड़ियाँ मैं तो चेंज कर करके पहनूंगी। तो ये है बाला टाइप्स में, कि डेली यूज, डेली वेयर में यूज़ भी हो जाएगा। एंड और इसके साथ बीच में हम जैसे कि ये पतला सीप वाली चूड़ी ले ली है और बीच में बैंगल डाली, तो इस तरीके से भी आप चूड़ी पहनना ट्राई कर सकते हो, काफ़ी प्यारा लगेगा। तो मेरा चूड़ी का डब्बा यहीं, जिसको आप मैच करके पहन सकते हो, जैसा कि मैं अभी भी पहनी हुई हूँ। ये तो मार्केट से खरीदी थी, क्योंकि तो बताती हूँ कैसे पहनना है। 3 बैंगल्स इधर और 3 बैंगल्स इधर, इस तरीके से आगे पीछे रख के और बीच में मोटा रख के और इसको इस तरीके से पहन लेंगे तो काफी प्यारा लगेगा। तो ये देखिए, तो गाइस तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और अनबॉक्सिंग खोलने का जो एक्साइटमेंट रहता है ना, मैं एडोकार्ट। सो गाइस, तो नेक्स्ट जो मैं मंगाई थी मेहंदी, ग्रीन कलर का पैकेट भी इसका ग्रीन पैक में हो क्या है, और जिसका रात में 2 मेहंदी यूज़ किए हैं, जो हाथ में आप देख सकते हो ये कलर आया है, और ग्रीन कलर का नेल पेंट, जो ये कलर आया है। तो ये नेल पेंट का कलर बहुत प्यारा था, बहुत औसम था, बहुत ही अच्छा कलर होकर आया था। जिसमें मात्र 70 रुपीज़ में ये नेल पेंट दिया था, और ये 4 पैकेट था 69 का। तो मेहंदी भी हम मंगा ली थी, तो पूरे सावन की खरीदारी इस तरीके से मैं की। और सावन में यही चीज़ें काफ़ी ज़रूरी थी, कहते हैं ना कि 16 सिंगार और सावन में साइला भादों में भाईला मेहंदी लगाया जाता है, तो मेहंदी भी मंगा दी। और ये चूड़ी, हरी बिंदी, हरी नेल पेंट, हरी साड़ी, ये सारी चीज़ें, हरी इयररिंग्स, ये सावन में पहनना सोमवारी के दिन जरूरी रहता है, सुहागन का प्रतीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें मंगाई, डेफिनेटली आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आएगा, तो एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय। तो देखिए क्या क्या है, सब मेरी याद की पूरी एक साथ।